नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आप सभी दर्शकों का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वेलफेयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, बिकॉज अधूरी जानकारी आपको कामयाबी नहीं दिला सकती। हमारे बहुत सारे यूट्यूब के दर्शकों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर, इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए कि बीटेक करें इंटर के बाद में, या फिर सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप बीटेक मत करो, या बीटेक यानी 4 साल का जो डिग्री कोर्स होता है वो बेकार है, अच्छा नहीं है। मैं जितनी बातें कहने जा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल राय है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अगर बीटेक यानी जिसको बी बोलते हैं, डिग्री इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसके समय की बात करूँ तो 4 साल का आपको सॉलिड समय, आपकी जिंदगी का बेहतरीन वक्त जो 4 साल होता है वो लग जाता है। 4 साल, कभी कभी सर्टिफिकेट मिलते मिलते 4.5 साल भी हो जाता है, अगर कुछ सेशन वगैरह लेट होता है तो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर मैं सेफ्टी ऑफिसर की बात करूं तो इसको कोर्स करने में आपको 6 मंथ्स लगेगा, सर्टिफिकेट मिलते मिलते 1 साल लगेगा, यानी आपका स्ट्रेट अवे 3 साल आपका बच जाता है। अगर मैं पैसे की बात करूं तो आप 4.5 साल के बाद पैसा कमाना शुरू करेंगे बीटेक करने के बाद। अगर मैं सेफ्टी ऑफिसर में बात करूं तो आप 1 साल के बाद ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, यानी 3 साल बीटेक वाले से आप ज्यादा पैसा कमाओगे। बीटेक वाला आपसे 3 साल पीछे पैसा कमाएगा, बीटेक वाले से आप यानी सेफ्टी ऑफिसर जो होंगे वो 3 साल पहले पैसा कमाना शुरू कर देंगे। दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीटेक एंड सेफ्टी ऑफिसर। फ्रेंड्स, पढ़ने के बाद हम सभी की ख्वाहिश होती है जॉब, तो अगर वैकेंसी की बात करें तो कहीं भी आज तक ये कानून नहीं है कि जिस किसी भी कंपनी में 50 लेबर्स हों वहाँ पे एक बीटेक बी किया हुआ इंजीनियर होना चाहिए। आप पता कर सकते हैं, ऐसी कानून आज तक कहीं भी नहीं है। लेकिन गल्फ कंट्रीज वगैरह में, इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनी में कानून है कि जहाँ कहेंगे 50 या 40 लेबर्स हैं वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। तो इस कानून का पालन करते हुए वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है, तो जिस किसी भी ट्रेड में सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, जिस किसी भी ट्रेड में वैकेंसी ज़्यादा आती है उसमें सेलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है, यानी आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू बीटेक। फ्रेंड्स, मैं बीटेक की निंदा नहीं कर रहा हूँ और सेफ्टी ऑफिसर की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूँ और ये मेरा सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन है। आज हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय भी नहीं होता, पैसा भी नहीं होता, तो वो बीटेक नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए स्पेशली मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 4 साल, आपके पास समय नहीं है पढ़ने का, आपके पास 4 लाख रुपया से लेकर 12 लाख रुपया नहीं है जो कि बीटेक करने में खर्च होता है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सेफ्टी ऑफिसर बनिए, बिकॉज आपको 4 साल तक पढ़ाई नहीं करनी होगी, आपको 4 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको जो खर्च करना पड़े, जितना बीटेक की आप बुक खरीदने में पैसा खर्च करेंगे, ट्यूशन पढ़ने में पैसा खर्च करेंगे, उतने पैसे में पूरा का पूरा सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स हो जाएगा। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि सेफ्टी ऑफिसर जो फीस है मैंने जानबूझकर इसलिए कम रखा है कि हमारे देश का एक मिडिल से मिडिल क्लास का आदमी, लो मिडिल क्लास का आदमी भी इसको कोर्स कर पाए। द फीस इज ओनली 30,000 रुपीज और 1 साल का 1 ईयर डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, ISO शासन सर्टिफाइड, MSME से अप्रूव्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट NCVTE से भी एफिलिएटेड होगा। इस सर्टिफिकेट की काफी मान्यता है और 2009 से लेकर आज तक हजारों लोग जो है देश विदेश में अच्छी सर्विस, अच्छी फैसिलिटीज में काम करें, इंशाल्लाह अभी कामयाब हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर जॉब वैकेंसी की बात करें तो आपको जान के खुशी होगी कि बीटेक से भी ज्यादा वैकेंसी आती है सेफ्टी ऑफिसर में। क्यों? कि कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे कानून नहीं है कि 50 मशीनें हैं या 50 एम्प्लॉइज हैं तो एक बीटेक वाला होना चाहिए, ऐसा कानून नहीं है। और यही एक रीज़न है कि मेरे पास बहुत सारे बीटेक इंजीनियर्स भी बीटेक करने के बाद सेफ्टी ऑफिसर कोर्स कर चुके हैं, बिकॉज उनका सिलेक्शन और भी जल्दी होता है, बिकॉज बहुत सारी कंपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ सेफ्टी के नॉलेज को भी इंपॉर्टेंस दे रही है और उसको सेलेक्ट जल्दी करती है। फ्रेंड्स, अगर सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो सेफ्टी ऑफिसर में जहाँ कहीं भी 50 या 40 लेबर्स है वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, ये कानून है, जिसके वजह अगर वैकेंसी ज़्यादा आती है, और आप जानते हैं कि जिस किसी भी ट्रेड में वैकेंसी ज़्यादा आएगी उसमें सेलेक्ट होने का चांसेस मैक्सिमम हो जाता है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि कम समय, कम पढ़ाई, कम मेहनत करके अगर आप जीवन में जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज फॉर यू। तो जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के स्पीच को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देश की भलाई के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।